हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज 31 अगस्त थर्ड शिफ्ट कुछ ही समय में छूटने वाली है। हम बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनका पेपर कैसा रहा और क्या क्या चेंजेस देखने को मिले। सर, रीजनिंग तो बिल्कुल सिंपल था, मतलब आराम से बने थे पूरे क्वेश्चन। उसमें घड़ी का भी था, कैलेंडर का भी था, रिकॉर्डिंग डिकोडिंग भी थी और दिशा दूरी वाले भी थे, तो और वो सीरीज भी थी, तो ठीक थी सब। मतलब मैथ्स के अंदर से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिला आपको? सर सरलीकरण काफ़ी आया था और उसमें सर बहुत लेंथी था वो, मतलब टाइम ज़्यादा लग रहा था उसमें। हाँ, ज़्यादा टाइम ले रहा था। मतलब कैलकुलेट क्वेश्चन किस किस टॉपिक से देखने को मिले जिसमें टाइम लग रहा हो? सर प्रतिशत था, हाँ एक वो CI का भी था, वो भी ज़्यादा टाइम ले रहा था। CI के अंदर से किस टाइप से क्वेश्चन पूछा था? दो तीन तो नॉर्मल थे, एक आधी था बस जो मतलब दिक्कत दे रहा था। किस टाइप से पूछा था थोड़ा सा बता दो। वही मतलब किसी के प्रिंसिपल नहीं दिया तो वो दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया और प्रिंसिपल बताओ और किसी में वो परसेंटेज बताओ दर वगैरह। और अपन GK की बात करते हैं। सर GK तो इतनी मतलब मुझे समझ में नहीं आई बिल्कुल भी। मतलब ये मानो कि 35 क्वेश्चन होंगे उसमें समथिंग, तो उसमें से 10 एक क्वेश्चन ही बन पाया हूँ बस। हाँ, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे GK के अंदर? सर अधिकतर तो ऐसे ही आ रहे थे सन वाले और कुछ मतलब अपना जैसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल के कुछ क्वेश्चन, और एक वो क्वेश्चन था कि न्यू टाउन कोई एक वो मतलब कैप्टन था, उसने कहाँ मतलब बसाया कुछ, तो अब उसमें भोपाल का ऑप्शन था, इंदौर का था, रीवा का था और एक अपना वो था रतलाम का, तो मैंने तो इंदौर लगाया था, पता ही नहीं था उसका। करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिलेगा? हाँ थे सर, एक दो क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन थे? एक या दो होंगे बस। वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पिछली शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं, इस बार भी क्वेश्चन देखे वर्ल्ड हिस्ट्री वाले? हाँ सर होंगे सर, एक दो क्वेश्चन। मुझे साइंस की बात सर उसकी, तो जी इसकी तो साइंस की अपन बात करते हैं, तो साइंस के अंदर कितने क्वेश्चन देखने को मिले? साइंस के सर मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन होंगे सर, 7-8 क्वेश्चन बस। टफ थे या इजी थे? नहीं सर टफ थे, उसमें ऐसा पूछ रहा था वो कि जो जीव मतलब पेड़ पौधे होते हैं उसमें से जो उनका मतलब जो उत्पत्ति होती है, तो वो कैसे मतलब आपस में वो करते हैं ना, वो मतलब परागण कैसे मतलब वो इस तरीके से थे कुछ क्वेश्चन। वुमन बॉडी से क्वेश्चन पूछा था क्या? नहीं था सर। रीजनिंग का पोर्शन इजी था या फिर टफ था? नहीं रीजनिंग का सर लगभग 90% सर सरल था। हाँ रीजनिंग के अंदर टफ क्वेश्चन किस टॉपिक से थे? रीजनिंग के अंदर सर टफ तो कहीं नहीं था, टफ तो होंगे जो मतलब कैलकुलेशन वाले जो दिक्कत दे रहे, सीरीज वगैरह हुई जो मतलब उसमें। हाँ वैसे मुश्किल वो सही थे वे सब लोग सभी। सर आपको किस टॉपिक से? एक असंगत बताना था, डबल करके एक प्लस और एक प्लस करके था, तो उसमें एक में दो प्लस थे तो उसको बताना था, और एक डबल करके एक स्क्वायर था तो इसमें एक 27 ऐसा था, 2-4 का, तो उसमें 25 आना था तो उसमें 27 था। और मैथ्स के अंदर किस किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले? मैथ्स में एक सरलीकरण का था और साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज था, और एडवांस मैथ्स के भी थे। हाँ एडवांस के अंदर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा? एडवांस के थे ना, दो थे सर। किस किस टॉपिक से थे एडवांस के अंदर? एडवांस के तो हाँ था वो मतलब उसमें परिमाप वगैरह पूछा था उसने। हाँ और एक वो था उसमें वो परिमाप ए बी एक समांतर रेखा उसको बीच में से काट रही है, तो वो सर और एक माध्य वाला भी था ऐसा त्रिभुज में। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा? नहीं सर नहीं मिला। बीजगणित से क्वेश्चन देखने को मिलेगा? हाँ सर था। कितने क्वेश्चन थे बीजगणित से? सर हाँ और एक और उसमें सर एक समीकरण था उसका LCM पूछा था, मतलब बड़ा सा था वो, तो एक LCM दिया था और एक SCF दिया था, वो दूसरी संख्या ज्ञात करनी थी, दूसरी संख्या। और GS में एक शायद से राजधानी भी पूछा था, राजधानी कौन सी है, और एक राजधानी देश की पूछा था या बीजिंग पूछा था, बीजिंग हाँ चीन की, और एक नदियों से पूछा था, नदी थी नदी अपने पड़ोसी राज्य में किस क्षेत्र से मतलब जो बहती है, तो वो नदी का नाम तो नहीं आ रहा लेकिन वो भूटान था उसमें ऑप्शन, एक नेपाल था और बांग्लादेश था, अफगानिस्तान था, चार ऑप्शन थे उसमें। और GK में कोई सा क्वेश्चन याद आ रहा हो जिस टॉपिक से? इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन देखने को मिलेगा? इकोनॉमिक्स तो एक क्वेश्चन था सर, वो मुद्रा बाजार टाइप का कुछ क्वेश्चन था, मतलब कि वो ट्रेजरी बिल और वगैरह ये कब सरकार पेश मिस करती है ऐसा, उसमें मैं सर इसमें लैंग्वेज दो तीन क्वेश्चन मतलब पूरे पेपर में 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जिनकी मतलब लैंग्वेज सही नहीं थी, मतलब अपन समझ नहीं पा रहा था मतलब क्या उसमें कैसा क्या मतलब क्या तरीके से बताया उसे, तो उसमें क्या है कि वो उसमें अब उसमें नो का ऑप्शन था, 4 ऑप्शन थे, 9, 3, 5
जो मतलब जो पेश करते हैं ना, वो साल साल में करते हैं कि कितने दिन में करते हैं, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो तो सर पर। अगर पूरे पेपर की अपन बात करते हैं तो पूरे पेपर को अपन किस लेवल में रखना चाहोगे आप? सर इसमें मैं रखना चाहूँगा, इसमें अपने जो रीजनिंग है ना वो तो सर 90% मतलब ईजी आई है, और 10% ही मतलब जो टप थी। और सर मैथ कैलकुलेटिव थी थोड़ी कैलकुलेशन, अगर इसका टाइम की अच्छी प्रैक्टिस होगी ना जो मतलब, तो वो सर मार लेगा, मैं मुझे टाइम कम पड़ गया। आपके कितने महीने की तैयारी थी? सर मैं तैयारी तो बहुत काफ़ी समय से कर रहा हूँ, पर बीच में छोड़ दी थी। 2017 में मेरा पेपर निकला था, मैं मेरठ से बाहर हूँ पुलिस में ही, फिर BSF का भी निकाला था एक पेपर। तो पहले के पेपर के अकॉर्डिंग इस पेपर को लिया जाए तो इजी आ रहे हैं या टफ आ रहे हैं? नहीं सर टफ कर दिया, हाँ, क्योंकि फिर मैंने मेरे जो फ्रेंड वगैरह भी आए थे ना तो वो 80 मार के गए हैं सर शुरू में, जो सबसे शुरू में जो स्टार्टिंग होती ना तब। ठीक है सर, थैंक यू। सर 80 लोग थे हमारी लैब में तो एक के 80 भी हैं। हाईएस्ट क्या देखने को मिला आपकी लैब में? 80 सर आपके लैब में? 80 थे सर, 80। आपका स्कोर कितना रहा? मेरे 59। सर आपका स्कोर कितना रहा? 70। अच्छा स्कोर है सर, ठीक है, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। बुला लेंगे